हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि काले चने हम सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हैं। ये मैंने आधा किलो काले चने जो है रात भर भिगो कर रखे थे और मैंने कुकर में इसकी 7-8 सीटी लगवाई हैं, तो अभी ये बिल्कुल पक गए हैं। मैं अब जो है इसके लिए इसके अंदर तड़का लगाने के लिए अभी मसाला रेडी करने वाली हूँ, तो हम वो देखेंगे। बहुत ही सिंपल और ईजी है बनाना, आप देख सकते हो बिल्कुल पके हुए हैं ये। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम इसके लिए कैसे इसका तड़का या ग्रेवी बनाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक पैन में जो है ऑयल लिया हुआ है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, चाहे तो रिफाइंड का ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर सरसों का तेल भी, आप चाहो तो शुद्ध घी का भी यूज़ कर सकते हो। फिर सरसों का तेल लिया हुआ मैंने, यहाँ पर थोड़ा पक गया, इसमें मैं यहाँ पर दालचीनी और लौंग है वो डाल रही हूँ, और जो है साथ ही मैं यहाँ पे जीरा भी डाल रही हूँ। जब ये पक जाएगा, थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसमें मैंने यहाँ पर जो है प्याज, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, 2 या 3 प्याज लेकर, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, मैं इसमें इसको डाल रही हूँ अभी। तो हमें इसको अच्छे से जो है पका लेना है। ये बहुत ही सिंपल और इजी है इसको बनाना। हमें इसको अच्छे से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे पकने देना, जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। ग्रेवी को हमें थिक करने के लिए मैंने जो कुछ छोले हैं, थोड़े से चने हैं जो ये, इसमें जार में लेकर इसको पीस लूँगी, ताकि जो इसकी ग्रेवी है थोड़ा थिक और अच्छी बन जाए। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मैंने पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे प्याज और जो हमने पेस्ट डाला था वो थोड़ा ब्राउन हो चुका है, पक चुका है, तो अभी मैं यहाँ पर मैंने 4-5 टमाटर हैं इनकी ग्रेवी इनका जो है मैंने पीस लिया है मिक्सी में, तो इसको भी हम ग्रेवी के लिए इसमें डाल देंगे। तो आप भी इस तरह से लेकर डाल सकते हैं। तो हम जो है इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और पकाएंगे। हम इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, कि जब तक ये टमाटर है अच्छे से पक ना जाए इसमें। और साथ ही जो हम इसमें हैं हल्दी पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डाला है मैंने इसमें, और लाल मिर्ची डाली है, और जो है साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मिक्स मसाला है वो भी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अब कम से कम हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक कि ये बिल्कुल पक ना जाए टमाटर, हमारी ग्रेवी रेडी ना हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें जो हमारे पके हुए छोले हैं उसको ऐड करेंगे और फिर उसे पकाएंगे। आप चाहो तो इसको कुकर में भी सीटी लगवा कर पका सकते हो, या फिर आप कढ़ाई में भी इसको पका सकते हो। तो अभी मुझे इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे पकाने में। जो चने हमने अभी पीसे थे मिक्सी में, कि मैंने उसको भी इसमें डाल लिया। हम इसको भी इसके साथ ही थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि हमारी ग्रेवी है वो अच्छी बन जाए। ये हमारी ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बॉयल किए थे चने, उनको भी डाल रही हूँ इसमें। आप चाहो तो इसको कुकर में भी डालकर पका सकते हो, लेकिन मैं यहाँ इसमें पैन में डाला मैंने इसको, कम से कम 15 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाऊंगी। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी और ऐड कर सकते हो।
यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा जो चने हैं वो ऐड कर दिए हैं जो मैंने पकाए थे काले चने, और थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें पक जाए। मैं इसको यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए जो है पकाऊंगी ढककर। आप चाहो तो इसको ग्रेवी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मोटा या पतला या गाढ़ा कर सकते हो। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा पतली चाहिए तो आप इसे पानी ऐड कर सकते हो, और इसे अब कम से कम 15 मिनट के लिए हमें पकाना है। आप चाहो तो इसको कुकर में भी डालकर पका सकते हो, लेकिन मैं यहाँ इसमें पैन में डाला मैंने इसको, कम से कम 15 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाऊंगी। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी और ऐड कर सकते हो। देखिए गाइस, इस तरह से जो है हमारे चने इसमें पकने शुरू हो गए हैं। बस अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पर पकाने वाली हूँ, और आप चाहो तो इसे ठीक करना चाहो तो पानी मत डालिए, इतना ही रहना देना चाहते हो, या फिर अगर पतला करना चाहते हो तो पानी भी डाल सकते हो। अगर आप चावल के साथ बनाना चाहोगे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, अगर पूरी के साथ बनाना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा थिक भी रहने दे सकते हो। तो मैं अभी इसे यहाँ पे 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, तो हमारे उसके बाद काले चने हैं वो रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम टेस्टी सिंपल हैं, आप इस तरह बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेवी भी इसकी थिक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चाहो तो पतला कर सकते हो। मैं इसे चावल के साथ बनाने वाली हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो पूरी के साथ भी इसको बना सकते हो। तो गाइस, ये हमारे काले चने एकदम रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में, और खाने में भी टेस्टी हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया, आप भी इस तरह बना सकते हो, और इसे एक चावल या पूरी के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और सिंपल ही बन भी जाते हैं, बस आपको रात भर भिगो के रखना है, इनको गल जाते हैं उसके बाद ही हम इसे इस तरह से पका सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स गाइज, थैंक यू।